नमस्कार दोस्तों, मॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके साथ ही उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब हम आज जानेंगे। और इसके साथ ही आज से हम एक रेट एनालिसिस का सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम एक्सकेवेशन, रेनफोर्समेंट स्टील, शटरिंग, कॉन्क्रीट, ब्रिक मैसनरी, इसमें 9 इंचेस, 4.5 इंचेस, उसके बाद एसी ब्लॉक मैसनरी, प्लास्टरिंग, उसके बाद टाइलिंग वर्क में भी विट्रीफाइड टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स, उसके बाद स्टोन वर्क्स, जैसे काड़ापा स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन, किचन ओटा के लिए लगाते हैं वो, उसके बाद में पेंटिंग वर्क्स, ये सब इसका पूरा रेट एनालिसिस देखेंगे। ये सारे रेट एनालिसिस एक एक वीडियो में हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, रेट एनालिसिस क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। रेट एनालिसिस मतलब किसी भी आइटम का या फिर किसी भी एक्टिविटी का पर यूनिट कॉस्ट डिराइव करना। तो उसमें पर यूनिट कॉस्ट डिराइव करते समय उसमें लगने वाले लेबर्स, मटेरियल्स, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद अदर कुछ चार्जेस है। इसके साथ ही मटेरियल्स का चार्ज बेसिक, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, प्लस टैक्सेस, लेबर्स का पर यूनिट चार्जेस, बाद में मशीनरी कितनी लगने वाली है, हायर पे है या फिर ओन मशीनरी है तो उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट, इसके साथ अगर सब कॉन्ट्रैक्टर आप यूज करें तो सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का ओवरहेड्स, उस प्रोजेक्ट या फिर उस आइटम के लिए कितना ओवरहेड्स लगने वाला, ओवरहेड्स और उसका प्रॉफिट, ये टोटल करके हम रेट एनालिसिस करेंगे। तो रेट एनालिसिस का डिटेल इंफॉर्मेशन हम जरूर देखेंगे। रेट एनालिसिस एक मेथड है कि कोई भी आइटम का उसका रेट निकालना, वो कैसे निकालना है, तो उसका मटेरियल, लेबर, मशीनरी, अदर मिसलेनियस एक्सपेंस जो भी है उसका मतलब टोटल रेट निकालने का, मतलब एक आइटम करने के लिए कंस्ट्रक्शन का कितना खर्चा आता है टोटल, इसको मतलब रेट निकालने का, ऐसे हम रेट एनालिसिस करना बोलते हैं। इसमें रेट्स में कैसा रहता है, अलग टाइप का मतलब क्या क्या टोटल खर्चा, मतलब मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, मशीनरी कितना लगा, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना लगा, ये सब ऐड करके हम उस आइटम का रेट निकालते हैं। और ये हम टोटल जो रेट निकालते हैं, रेट एक आइटम का, इस हिसाब से हम सारे आइटम का रेट निकाल के टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। अभी रेट एनालिसिस में पर्पस क्या है, पर्पस क्या है उसका, मेनली प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट निकालना, मतलब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से या बीओके के हिसाब से जो भी ये है आइटम है उसका कॉस्ट निकालना, टोटल कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट निकालना, उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट निकालना प्रोजेक्ट का और बजट फाइनल करना, उसके बाद मेनली मार्केट रेट के हिसाब से उसको चेक करना, मार्केट रेट अप्लाई करना और मेनली कंस्ट्रक्शन वर्क मार्केट रेट के हिसाब से पेमेंट करने के लिए वो जो हमने रेट निकाले उसका स्टडी करके डिराइव करना, मेनली एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाने का कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, जो भी गवर्नमेंट का लिमिट्स है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनका स्टैंडर्ड देख करके एक स्टैंडर्ड रेट निकालने का, ये सब रेट एनालिसिस के पर्पस है। अभी कॉस्ट ऑफ 5 गिवन फैक्टर्स ऑफ वाइटल रोल, मतलब 5 टाइप के जो फैक्टर्स है जो रेट एनालिसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हम देखेंगे। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का जो भी खर्चा आता है मटेरियल का कॉस्ट। दूसरा है कॉस्ट ऑफ लेबर, मतलब लेबर का खर्चा। तीसरा है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मतलब जो भी मशीनरी लगने वाली है उसका खर्चा। चौथा है ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस जो भी लगने वाले है। पांचवा है कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, मतलब ये सब करने के बाद अपना जो प्रॉफिट है वो ऐड करना पड़ता है उसके बाद। अभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल रेट एनालिसिस करते समय हम लोग जो भी क्वांटिटीज मटेरियल का पर यूनिट लेते हैं उसका मेजरमेंट लेते समय उसका टोटल क्या क्या मटेरियल लगना है वो आइटम्स करते समय वो पूरा मटेरियल का हम लोग कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, मतलब जो जो मटेरियल वो आइटम करते समय लगेगा उसका हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं और मार्केट के हिसाब से उसके रेट्स लेके उसका कॉस्ट डिराइव करते हैं। और ये मटेरियल रेट लेते समय उसमें हम कैरेज, टैक्स और अदर कॉस्ट भी उसमें ऐड करते हैं। अभी जैसे अगर कोई
प्रोजेक्ट में सीमेंट, स्टील और कुछ अदर मटेरियल्स गवर्नमेंट से तुम्हें क्लाइंट देता है, तो उस समय हम उनके रेट ऐड नहीं करते एनालिसिस में, तो उनके जो हैंडलिंग चार्जेस रहते हैं जैसे सीमेंट स्टील हो गया, सिर्फ उनके हैंडलिंग चार्जेस हम कंसीडर करते हैं। कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ लेबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी आइटम हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले हम मटेरियल का खर्चा देखा, अभी जो लेबर लगता है लेबर का खर्चा भी हम पूरा निकालते हैं, जो भी कर अभी लेबर रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से हम लेबर का रेट निकालते हैं, लेबर का खर्चा निकालते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ लेबर जैसे मेसन कारपेंटर लेबर ये सबका इंडिविजुअल रेट निकालते हैं या फिर यूनिट रेट के हिसाब से भी हम लेबर का खर्चा निकालते हैं। ये नंबर जो रहता है मेनली एप्लीकेबल रहता है मतलब पर स्क्वायर मीटर, पर मेट्रिक टन, पर यूनिट भी लेबर मार्केट में अवेलेबल उसके हिसाब से हम निकालते हैं। अभी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो भी मशीनरी यूज किया है हमने वो आइटम्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी यूज होने वाला है तो उसका भी हम लोग खर्चा निकालते हैं और वो भी हम ऐड करते हैं आइटम्स के एनालिसिस में। अभी कंक्रीट मिक्सर अगर यूज करना है एग्जांपल में तो उसमें प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट उसका कॉस्ट जो भी है सिर्फ इधर उसका रेंट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट हम ऐड करते हैं कंक्रीट के मिक्सर में, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट में। और मशीनरी यूज अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन में हम जैसे यूज करते हैं देन सेपरेट बजट मतलब क्रेन्स वगैरह हो गया, पंप हो गया, स्टैटिक पंप जो भी रहेगा तो उसका हम लोग 1 से 1.5% ओवरऑल बजट का भी डिपेंड अपॉन मशीनरी और डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट उसका बजट में अलग से खर्चा ऐड करते हैं। अभी ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस मतलब अपना साइट पे जो भी लगने वाला ऑफिस है, फर्नीचर है, अपलाइन चार्जेस है, स्टाफ सैलरीज है, वेजेस है, सर्विस चार्जेस है, अलग टाइप का जो भी अपना ऑफिस का खर्चा है, कंटीजेंसीज है, वो सब हम ओवरहेड चार्जेस में कंसिडर करते हैं। अब ये 2.5 से 5%, अब कभी कभी 2.5 से 5% ओवरऑल प्रोजेक्ट के कॉस्ट के हिसाब से जाता है, लेकिन आजकल ये 6 से 8% भी कंसिडर करते हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट चार्जेस भी रहते हैं, क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, क्लाइंट्स फैसिलिटी भी रहते हैं, जैसे क्लाइंट्स को भी ऑफिस बना के देना वो सब भी रहता है। तो आज का टोटल सब खर्चा में लगा के 8 से 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट के बजट के हिसाब से जाता है, 8 से 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट बजट में कंसिडर करते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर्स जनरली सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हायर किए जाते हैं और 10% प्रॉफिट ही जनरली कंसिडर किया जाता है सब ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर। और कभी कभी ये प्रॉफिट कैप जैसे 15% छोटे प्रोजेक्ट के लिए या फिर 8% बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी रख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड है। अगर सब कॉन्ट्रैक्टर हमने कंसीडर किया है तो सब कॉन्ट्रैक्टर को एक सर्टन मार्जिन देना पड़ता है वो परसेंटेज, और उसका मार्जिन ऐड करके हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे कोई सब कॉन्ट्रैक्टर ने कोई कोटेशन दिया तो उसके ऊपर हम अपना ओवरहेड चार्जेस और अपना अदर चार्जेस प्लस प्रॉफिट ऐड करके अपना कॉस्ट बनाते हैं, इसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट भी क्लियर हो गया। तो रेट एनालिसिस में जनरली 5 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए और ये रेट एनालिसिस सीरीज में बने रहने के लिए हमारे वीडियो कंटिन्यूस देखते रहिए। धन्यवाद।